सामने जी जैन भाई लोगों का घर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र जी अभी भी ठीक ठाक। असं आए जी झुंडे के कोलो ना मुंडे की बेरियां। हाँ जी ठीक ठाक जी अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को आज एक और नई वीडियो में वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप तमाम दोस्त भी खैरियत से होंगे। तो आज मैं और मेरे साथ में जमील भाई भी हैं, हम जनाब निकले हुए हैं, जा रहे हैं हम बॉर्डर की तरफ। और इस वक्त हम ना जफरवाल से तकरीबन थोड़ा सा पीछे अभी खड़े हुए हैं और यहाँ से हम वीडियो अभी शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ ही यहाँ से जो है ना नाला डेक जो कि पीछे इंडिया की तरफ से आता है वो बहता है, तो उसके साथ साथ जो है ना हमने आगे जाना है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे कि आप विलेज फूड सीक्रेट वालों का गांव भी हमें दिखाएं, तो मैं भी जो है ना फ़र्स्ट टाइम ही उनका गांव देखने के लिए जा रहा हूं। काफ़ी देर से मेरा प्लान था और आज जो है ना हम जनाब निकले हुए हैं उनके गाँव की तरफ। और हमारे गाँव से तकरीबन 20-25 किलोमीटर का फासला है उनके गाँव तक। तो अभी जो है ना हम निकलेंगे जी, यहाँ पर ये जंगल है और साथ में जो है ना आगे नाला डेक है, तो डेक के साथ साथ जो है ना रास्ता जाता है। ये पुल है जी नाला डेक का जो कि आगे जफरवाल को अटैच करता है। ये नाला डेक बह रही है जी पुल के नीचे से और ये रास्ता जाता है आगे सीधा। हमने जाना है आगे विलेज फूड सीक्रेट वालों के गांव की तरफ। डेक का एरिया है सारा, ये बीच बीच में लोगों ने यहाँ पे गंदम भी कास्ट की हुई है और आगे जो है ना पानी चल रहा है और ये बंद है इसके साथ साथ और यहाँ पे रास्ता है। बहुत मज़े की हवा चल रही है। अभी हम जा रहे हैं आगे, वो सामने जंगल नज़र आ रहा है, जंगल के बिल्कुल ही साथ जो है ना गाँव है जहाँ पे हमने जाना है। अभी हम पहुँच गए हैं शाहपुर के पास ही, ये बहुत बड़ा जंगल है। वो देखें इधर हमें देख के भाग गया। कुत्ता पैंदा ते नहीं जे? तो सुनाओ भाई की हाल है, ठीक ठाक हो? इतों दे तुसीं शाहपुर दे हो? ज़ैन भाई उहनां दा पिंड ही है ना? तो इत्थे ही होंदे हो किते? घर ही होने ना? ठीक हो गया। तुसीं असीं इत्थों आए झुंडे दे कोलों, बना ते नहीं करदे वीडियो शीडियो बना लैणा? अच्छा पहुंच गए हैं अभी जैन भाई लोगों के गांव, विलेज फूड सीक्रेट वालों के गांव। वो सामने आगे उनका घर नज़र आ रहा है माशाल्लाह। गांव से बिल्कुल बाहर खेतों में जो है ना उन्होंने अपना नया घर बनाया है। उनका पुराना घर तो गांव के अंदर था, तो ये स्कूल है उनके गांव का। और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बड़ी देर से जो है ना शौक़ था जैन भाई लोगों का गांव विज़िट करने का,
तो आज हम पहुँचे हैं। वैसे हमने उनसे कोई परमिशन वगैरह तो नहीं ली मुलाकात के लिए, और कोशिश करते हैं अगर उनसे हमारी मुलाकात हो जाए तो बड़ी बात है जी। उन्होंने एक छोटे से गांव से उठ के ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे गांव का, अपने इलाके का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया। मुबशर भाई तो वैसे नेपाल गए हुए हैं, मैंने वीडियो में देखा था, और जैन भाई जो है ना और मुदसर भाई वो गांव में ही हैं। तो देखते हैं अभी उनके साथ हमारी मुलाकात हो पाती है कि नहीं। अभी ज़ोहर का टाइम हो गया है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे उनसे हमारी मुलाकात हो जाए। ये स्कूल है उनके गांव का। यहाँ पे सकलैन भाई भी जो है ना वो भी इन्हीं के गांव से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो मिल गए तो फिर उनसे भी हम मुलाकात कर लेंगे। कोई भी बंदा हमें मिल जाए, हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, तो हमारा शौक पूरा हो जाएगा। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे परिंदे बोल रहे हैं। इधर नू चलिए फिर। ये प्राइमरी स्कूल है जी शाहपुर का। और ये सामने जी जैन भाई लोगों का घर। जैन भाई लोगों का घर। अभी हम मस्जिद चलते हैं, पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे हमारी मुलाकात हो जाए। अल्लाह का शुक्र है जी, अभी भी ठीक ठाक। असि आए जी झुंडे के कोलो ना मुंडे की बेरिया। हाँ जी ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। बस बड़ी चाहत ना आए थोड़े को। चलो ठीक है, बनाओ। चलो ये माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी मस्जिद है जैन भाई लोगों की। अभी ज़ोहर का टाइम है, नमाज़ पढ़ लेते हैं पहले। अंकल जी और मिले ने जी सानू। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है अंकल जी? ठीक ठाक हो? की हाल भाई? ठीक हो? नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह। पता जी बड़े कबेरियां दा नहीं, मैं तां नहीं जानदा, कोई को राम नहीं जानदा, बुड्ढे हो गए इत्थे फिरदे। सही है सही है। नहीं बजुर्गो कोई यकीन करो, कोई तकल्लफ ना करो जी, सानू है बड़ी खुशी हुई तुहाडे नाल मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला जानो। जैन भाई के वालिद साहब हैं मुबशर सदीक भाई लोगों के जो है ना वालिद साहब हैं। बहुत अच्छी तबीयत है इनकी जो है ना, मैं अक्सर वीडियो में इनको देखता रहता हूँ। तो अभी ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे हमने नमाज ज़ोहर अदा की है। और बुजुर्गों सेहत भी है ठीक है, सब खैर भी है। मुबशर भाई मैं देख रहा हूँ, वो तो नेपाल गए ने ना। वीडियो आ गई नहीं जानती, मैं देखी है बाद जो ही देखी, वो मैं देखा है एयरपोर्ट से ना। मैं भी बैठा था हूं उठे तो वो नहीं, वो दी वीडियो नहीं आई। हां जी हां जी, नहीं मैं देख रहा हूं जान दी आई है। हां जी हां जी, मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा था लड़का है, नेचर वाइज भी बहुत बाहरी लोग ही बड़ा भेजे। मैं खुद दुबई आ ना, तो मैं उठो देखता रहा वीडियो, मैं तकरीबन 2018 में भी जानना उन्होंने, मैं बड़ा शौक ही मिलो ना ये मुलाकात से जी मेरे नाल। बड़ी मेहरबानी।
ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਦੋ ਦੇਖਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਵਾਬ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਖੜੋਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਆਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲੇਲਾ ਢਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਕਾਏ ਤੇ ਉਹ 50,000 ਦੀ ਜਾਂ 60,000 ਦੀ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਬੇਅਜਾਈ ਚ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਏਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਾਚੀ ਪੁੱਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅਜਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਏਡਿਆਂ ਏਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਹਮੇ ਤੋ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਥੇ ਵੋ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਅਗਰ ਹਮ ਉਨਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸਮਤ ਮੇਂ ਹੋਈ ਤੋ ਫਿਰ ਕਭੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਂਗੇ ਯੇ ਘਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਨਕਾ